लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाला वीडियो वायरल है। देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसानों का जत्था सड़क पर चला जा रहा है। सकरे से रास्ते में बमुश्किल एक गाड़ी गुजर सकती है। उस रास्ते पर पोस्टर बैनर लिए किसान गुजर रहे हैं। कोई हो हंगामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। कहा भी जा रहा है कि ये लोग आंदोलन से वापस अपने घर लौट रहे थे, इसलिए हो हंगामे और नारेबाजी का कोई मतलब नहीं था। किसानों के जत्थे के पीछे से अचानक से एक तेज रफ्तार एसयूवी आ जाती है। जो लोग भीड़ में चल रहे थे उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत तेज रफ्तार से उनके पीछे से आ रही है। पलक झपकते ही काले रंग की एसयूवी लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। कोई गाड़ी के पहियों के नीचे आ जाता है, कोई टक्कर से दूर झटक कर गिरता है, तो कोई कार की बोनट पर गिर पड़ता है। कोहराम मच जाता है, चीख पुकार शुरू हो जाती है। धुएं का गुबार उड़ाती कार आगे जाकर पलट जाती है। चार लोग मारे जाते हैं, कई लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। इस पूरे वीडियो को देखकर लगता है कि जैसे गाड़ी चलाने वाले को आगे चल रहे लोगों की कोई परवाह नहीं थी, जैसे कार का ड्राइवर इंसानों को कीड़े मकोड़े मानकर चल रहा हो। कुछ लोग कार के नीचे आ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, दो चार लोग मर गए तो क्या हो जाएगा, कुछ लोगों की हड्डियां टूट ही जाएंगी तो उनकी बला से। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। चार किसानों को एक गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया गया। इसके बाद फैली हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ता मारे गए, एक पत्रकार की जान ले ली गई। इस मामले के जितने वीडियो सामने आ रहे हैं उतने ही सवाल उठ रहे हैं। राजदीप किसान आंदोलन में अपने पिता दलजीत के साथ गए थे। दलजीत की कार से कुचलकर मौत हो चुकी है। बीबीसी से बात करते हुए राजदीप कहते हैं, मैं अपने पापा के साथ गया था, वो किनारे खड़े थे लेकिन टक्कर मार दी गई। मुझे और मेरे भाई को भी टक्कर लगी, हम खेत में जाकर गिर गए, हमें चोटें भी आईं। मेरे पापा की मौत हो गई, मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। कहा जा रहा है कि आंदोलन करने वाले किसानों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन जब कार ने लोगों को कुचलना शुरू किया तो पुलिस वाले भी भाग खड़े हुए। पुलिस वाले स्थानीय लोगों से जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। पहले कार ने लोगों को कुचला, उसके बाद गुस्साई भीड़ मॉब लिंचिंग पर उतर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया। मॉब लिंचिंग में 4 लोग मारे गए। इसी में 25 साल के बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की भी मौत हो गई। शुभम बीजेपी के बूथ इंचार्ज थे और स्थानीय लोगों में काफी लोकप्रिय थे। परिवार वाले कहते हैं मारते ही मारते उसे मार दिया गया। हमारे बच्चे की क्या स्थिति होगी ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं कि आखिरी स्थिति के बारे में जानकारी शाम 7 बजे मिली। हम आगे क्या बताएं, वो स्थिति हम याद नहीं करना चाहते। इतना कहते ही पूरा परिवार फफक कर रोने लगता है। अब इस पूरे मामले में राजनीति हावी हो गई है। नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। मारे गए किसानों के परिजनों को 45 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। इलाके के एक किसान कहते हैं कि एक नेता के बेटे ने हमारे बच्चों को मार दिया और 45 लाख में समझौता हो गया। कल को कोई दूसरा नेता का बेटा बच्चों को मार जाएगा और 50 लाख में समझौता हो जाएगा। ये बड़ी ही दुखद घटना है। सत्ता के नशे में चूर कुछ लोग किसानों के काफिलों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं। बदले में गुस्से से उफनते लोग कानून अपने हाथ में लेकर पार्टी वर्करों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। कानून कहाँ है, न्याय व्यवस्था कहाँ है, समाज कहाँ है और कहाँ है इंसानियत। इस बेरहम दुनिया में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।